السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या दबदबा अपना भी दिखलाया तो क्या गंज सीमो जर भी हाथ आया तो क्या कसर आली शां भी बनवाया तो क्या एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर उम्र ये एक दिन गुजरनी है ज़रूर कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है बहरे गफलत पे तेरी हस्ती नहीं बहरे गफलत पे तेरी हस्ती नहीं देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं जाए ऐशो इशरतो मस्ती नहीं एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है हुस्न जाहिर पर अगर तू जाएगा हुस्न जाहिर पर अगर तू जाएगा आलमे फ़ानी से धोखा खाएगा ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा है न गाफिल देख ले पछताएगा एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है ऐशो इशरत के लिए इंसान नहीं ऐशो इशरत के लिए इंसान नहीं देख तू बंदा है मेहमान नहीं गफलतो मस्ती तुझे शाया नहीं बंदगी कर तू अगर नादा नहीं एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है आलमे फ़ानी की सजावट पर न जा नेकियों से अपना असली घर सजा फिर हमेशा चैन की बंसी बजा इन्नहु कद फाज़ फौज़ मन नजा एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है इस दुनिया के अंदर हर चीज़ का इनकार करने वाले आपको आसानी से मिल जाएं क़यामत का इनकार करने वाले भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिनको कुफ्फार कहा जाता है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मे नबुव्वत के मुनकिर भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिनको मिर्ज़ाई और कादियानी कहा जाता है हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को न मानने वाले भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिनको दहरिया कहा जाता है तो हर चीज़ का इनकार करने वाले दुनिया के अंदर मौजूद हैं मौत का इनकार करने वाला न आज तक पैदा हुआ और न हो सकता है
किसी जानदार को ये मालूम नहीं कि उसकी मौत कब आएगी, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि हर चीज़ को मौत आएगी। पैदा होने के बाद आ जाए, लड़कपन में आ जाए, जवानी में आ जाए, बुढ़ापे में आ जाए, सेहत में आ जाए, बीमारी में आ जाए, अमीरी में आ जाए, गरीबी में आ जाए, अपनों में आ जाए, गैरों में आ जाए, सफ़र में आ जाए, हज़र में आ जाए, रात में आ जाए, दिन में आ जाए, सर्दी में आ जाए, गर्मी में आ जाए, खाते हुए आ जाए, पीते हुए आ जाए, चलते हुए आ जाए, फिरते हुए आ जाए, लेटते हुए आ जाए, बैठते हुए आ जाए, खुशी में आ जाए, गमी में आ जाए, हंसते हुए आ जाए, रोते हुए आ जाए, नाफरमानी में आ जाए, फरमा बरदारी में आ जाए, चाहते हुए आ जाए, ना चाहते हुए आ जाए, हर वक्त आ सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वलाल जिस बंदे को जब चाहें, जहां चाहें, जिस तरह चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस हाल में चाहें अपने पास बुला सकते हैं, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। और सिर्फ दुनिया ही के अंदर मौत नहीं आनी, आसमानों पर भी मौत आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान के फरिश्तों से कहेंगे कि मर जाओ, पहले आसमान के फरिश्ते मर जाएंगे। दूसरे आसमान के फरिश्तों को हुक्म होगा मर जाओ, दूसरे आसमान के फरिश्ते मर जाएंगे। तीसरे आसमान के फरिश्तों को हुक्म होगा मर जाओ, तीसरे आसमान के मर जाएंगे। फिर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सातों आसमान के फरिश्ते मर जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इज़राइल से कहेंगे मन बका, अब कौन बाकी है। मलकुल मौत कहेंगे ए अल्लाह, जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल और अर्श के फरिश्ते बाकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल मर जाएं तो अल्लाह का अर्श भी हिल जाएगा। ए अल्लाह, जिब्रील और मीकाईल को बचा ले। अल्लाह फरमाएंगे उसको कद कतबतल मौत अला मन कान तहत अर्शिन, जो मेरे अर्श के नीचे होगा उसे भी मौत आएगी। जिब्रील और मीकाईल भी ना बच सकेंगे। अल्लाह फिर फरमाएगा मन बका, कौन बाकी है। हजरत मलकुल मौत फरमाएंगे इसराफील में और अर्श के फरिश्ते बाकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे अर्श के फरिश्ते मर जाएं, अल्लाह के अर्श को उठाने वाले चार फरिश्ते मर जाएंगे। और फिर अल्लाह फरमाएगा कौन बाकी है। अब मलकुल मौत कहेंगे अल्लाह इसराफील बाकी है। सूर फूकने वाला फरिश्ता अल्लाह कहेंगे मर जा, वो भी मर जाएगा, उसके हाथ से सूर निकलेगा और इस तरह अल्लाह के अर्श से जाकर लग जाएगा जिस तरह दीवारों के अंदर बल्ब लगे हुए होते हैं। फिर ऊपर अल्लाह होगा, नीचे इसराइल होगा। अल्लाह फरमाएंगे मन बका, कौन बाकी है। इसराइल कांपता हुआ कहेगा ए अल्लाह मैं बाकी हूं। अल्लाह फरमाएगा मुत फइन्नका खल्कुम मिन खल्किल्लाह, तू भी मर जा, आज मौत को भी मौत। हर चीज को मरना है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े रुस्तम वक्त आए। आपने सुना होगा यमन का बादशाह शद्दाद, इसने अल्लाह की खुदाई के अंदर हाथ डालने की कोशिश की और इसने सोने की सड़कें बनाई, चांदी की सड़कें बनाई, दूध शहर की नहरें बहाई। जब इसने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का तज़किरा फरमाया है, इसने इस्लाम को हकीर समझते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़मीन पर अल्लाह के साथ शरीक होने की कोशिश की और दुनिया के अंदर जन्नत बनाई है। लेकिन जब पूरी जन्नत इसकी बनाई हुई झूठी जन्नत तैयार हो जाती है और ये उसकी ओपनिंग और इफ्तिताह के लिए जाता है, उद्घाटन के लिए जाता है, जब उसको देखना चाहता है, मलकुल मौत आते हैं और कहते चल, इसने मोहलत मांगी, थोड़ी सी मोहलत मुझे दें। कि शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर, खुद ही न देख पाया कि दुनिया से चल बसा। वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन, इतने खजाने थे उसके पास कि उसने सड़कें बिछाई हैं खजानों की, लेकिन उन खजानों को जब देखने का नंबर आता है अल्लाह के बुलावे के सामने, ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, एक लम्हे की मोहलत इंसान को नहीं मिलती। सिकंदर आजम पूरी दुनिया को फतह करने निकला और 12 साल में पूरी धरती को जेरो जबर किया है इस इंसान ने, और ये मुल्तान फतह करता हुआ जब इराक पहुंचा और मौत की सख्तियों ने उसके ऊपर कदम रखा है, इसने जिंदगी की भीख मांगी है और ऐलान किया है कि है कोई मेरी बादशाहत का लेने वाला, अपनी सारी बादशाहत, सारे खजाने देता हूँ, 30-35 दिन की जिंदगी कोई मुझे दे, मैं अपने मुल्क में मरना चाहता हूँ। इराक से आगे तुर्की, तुर्की से आगे मख्तूनिया,
मक्तूनिया के पास का ये रहने वाला, सिर्फ 30-35 दिन का सफर है। बाबुल इराक के अंदर मौत इसके नजर आ रही है और ये जिंदगी की भीख मांगता है, मौत से इनकार नहीं करता, सिर्फ ये कहता है कि मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, मैं अपने मुल्क के अंदर मरना चाहता हूं, अपनी जमीन पर मरना चाहता हूं, लेकिन मलकुल मौत ने उसको भी मोहलत ना दी। तो दुनिया के अंदर चाहे इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब वक्त मुतय्यन फरमाते हर इंसान को दुनिया से जाना है, कोई मौत का इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम गौर की निगाहों से देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत के अंदर हमारे लिए एक पैगाम रखा है। जब इंसान मरता है, जब मैयत को मौत आती है, तो उसका दुनिया से जाना जिंदों के लिए एक पैगाम होता है, ख़ास तौर से उसके अहले कराबत के लिए। बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि जब मैयत मरता है उसकी रूह कब्ज होती है और रूह को लेकर मलकुल मौत जब जाते हैं तो जाते हुए दरवाजे पर रुकते हैं और उन रोने वालों से कहते हैं, पहली बात फरमाते हैं, क्या मैंने इसके ऊपर जुल्म किया कि तुम रो रहे हो? क्या मैंने इसकी जान वक्त से पहले निकाली है कि तुम्हें अफसोस हो रहा है? और तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो, जब तक तुम सब की मौत ना आ जाए, सिर्फ इसी की जान लेना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम में से हर इंसान की रूह को कब्ज करना, तुम्हें मारना, तुम्हें इस दुनिया से उठाना मेरी जिम्मेदारी है, जब तक मेरी जिम्मेदारी पूरी ना हो जाए इस घर के अंदर बार बार आता रहूंगा, तुम्हारा रोना अफसोस करना कोई काम नहीं दे सकता। अकलमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। मलकुल मौत हर मरने वाले के घर पर ये सदा लगाते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कमा तईसून तमूतून, जिस हाल में जिंदगी गुजरती है उस हाल में मौत आती है। अगर जिंदगी अच्छी गुजरी तो मौत अच्छी आती है, जिंदगी खराब गुजरी तो मौत खराब आती है। अकलमंद इंसान ये कहता है कि अच्छी तरह मरो और दूसरों को अच्छी तरह मरने दो, और बुरा इंसान कहता है कि अच्छी तरह जियो और दूसरों को अच्छी तरह जीने दो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पूरी जिंदगी जिस पर लगी होगी आखिर में वही चीज याद आती है। इसलिए अगर ईमान पर हमारी जिंदगी गुजरती है तो खात्मा इंशाल्लाह ईमान पर होगा, ईमान से हटकर जिंदगी गुजरती है अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और ये जिंदगी का तजर्बा है। आप देखें तो किताबों के अंदर मिलता है कि एक काम करने वाला मजदूर जो अपनी गठड़ियां उठाता था कपड़ों वगैरह की, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, लोगों ने उसे कलमे की तलकीन की, आप कलमा पढ़े। उसने कहा कि मेरे कपड़ों की गठड़ी कहाँ है? आखिर वक्त के अंदर वो चीज़ याद आती है। तो जिस चीज़ पर पूरी जिंदगी गुजरती है मौत के वक्त भी वही चीज़ याद आती है। तो हर इंसान को मरना है, इसलिए हमें मरने से पहले मौत की तैयारी करनी है। आप ये बताएं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ का मकाम कौन सा होता है? एक माँ से मालूम करें कौन सा होता है। जब माँ बच्चे को जनती है, नबी ने फरमाई है ये बात, एक सहाबी से फरमाने लगे, मेरे सहाबी अगर पूरी जिंदगी कांधे पर बिठाकर आपने हज कराया, पूरी जिंदगी अगर आप कदम दबाते रहो तो उस दर्द का हक अदा नहीं कर सकते जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त हुआ था। दुनिया के दर्दों में सबसे बड़ा दर्द माँ का दर्द होता है जब वो बच्चे को जनती है। उसकी रूह तो नहीं निकलती, सिर्फ बच्चे को जनती है, लेकिन मौत का दर्द इससे बहुत ज्यादा है। अगर अच्छी जिंदगी होती है तो रूह इस तरीके से निकलती है जिस तरह आटे में से बाल, और अगर तल्ख जिंदगी होती है, नाफरमानी की जिंदगी होती है, तो फरिश्ते मार मार कर रूह निकालते हैं और बदन के आजा नसों से कटती हुई रूह बाहर निकलती है। जैसे कि आप किसी कपड़े को कांटेदार दरख्त पर डाल दें और उसको खींचे तो वो अटकता हुआ कहीं से फटता है, कहीं अटकता है और बाहर आता है। इस तरीके से नाफरमान बंदे की रूह अटकती हुई बाहर वापस आती है, इतनी तकलीफ होती है। मौत की सख्ती, नबी अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है, मौत की सख्ती बहुत बड़ी सख्ती होती है। इसलिए इस रास्ते से हम सबको गुजरना है। अब हदीस शरीफ के अंदर जब हजरत इज़राइल रूह को निकालते हैं और कब्र का क्या मामला होता है, थोड़ा सा हमारी निगाहों के सामने हो जाए तो मौत की तैयारी करना हमारे लिए आसान हो जाए। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब नेक बंदे के पास आते हैं तो आप जब रूह निकालने के लिए आते हैं तो अकेले नहीं आते,
आपके साथ और फरिश्ते भी होते हैं। अगर नेक बंदा होता है तो आपके साथ आने वाले फरिश्ते उस बंदे की मदद करते हैं। मदद किस तरीके से करते हैं, कोई हाथ दबाता है, कोई पैर दबाता, ताकि रूह निकलने में तकलीफ ना हो। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे के पास आते हैं और कहते हैं, अय्यतुहन नफ्सुल हमीदा कानत फिल जसदिल हमीद, ए नेक रूह जो नेक जिस्म के अंदर थी, आ जाइए बाहर, अबशिरु बिर्रौज़ वर्रैहान वरिज़वान मिनर रहमान, तुम्हारे लिए जन्नत की नेमतों की, अल्लाह की रजामंदी की खुशखबरी है, बाहर आ जाइए, आपके निकलने का वक्त है। और आसानी से रूह को निकाल लिया जाता है। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु वअबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया वफिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। आसमान पर उस रूह को लेकर जाते हैं और आसमान से बार निदा लगाते हैं, अंदर से आवाज आती है, मन कौन है, फरमाते हैं फला इब्ने फला। तो आसमान के फरिश्ते नेक बंदे का इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं मरहबा व अहला, आइए आपका इस्तकबाल है, आ जाइए आपका इस्तकबाल है। और फरिश्ते कहते हैं ओहो नफ्सुन हमीद बिल जसदिल हमीद, ये तो बहुत अच्छा इंसान था, अल्लाह को राजी करके यहां पर आया है, ये इसके लिए जन्नत बिल्कुल तैयार कर ली गई है, पहले दूसरे तीसरे पांचवें चौथे आसमान, इसी तरह सातों आसमान से गुजारते हुए अल्लाह के अर्श के नीचे इल्लियीन के अंदर उनको रखते हैं। इल्लियीन उस जगह का नाम है अल्लाह के अर्श के नीचे जहां पर नेक बंदों की रूहों को जमा किया जाता है। तो जब बंदा नेक होता है आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और फरिश्ते इस्तकबाल करते हुए इल्लियीन के अंदर उस रूह को रख देते हैं। और अगर बंदा फाजिर होता है तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ आते हैं और वो फरिश्ते उनको मारते हैं और कहते हैं या अय्यतुह नफ्सुल खबीसा कानत फिल जसदिल खबीस, ए बदमाश रूह जो बदमाश जिस्म के अंदर थी, पूरी जिंदगी तूने नाफरमानी की है, अबशिर अब देख तेरा अंजाम क्या होने वाला है, उखरुज बाहर आ जा, अबशिरु बिल हमीम व गस्साक तुझे सख्त जहन्नम की उसकी आग व आखर मिन शक्लिही अज़वाज और दर्दनाक अजाब की खुशखबरी हो, अब अपने अंजाम की तरफ चल, आसमान की तरफ जाते हैं। फरिश्ते मालूम करते हैं कौन है, अंदर से आवाज आती है फुला इब्ने फुला, फरिश्ते कहते हैं ला 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 तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजल जमल फी समिल खियात, फरिश्ते कहते हैं नफ्सुन खबीस बिल जसदिल खबीस, ये बदमाश यहां इसको लेकर आए हो, नहीं यहां इसका कोई ठिकाना नहीं। ऊपर से फरिश्ते नीचे जमीन के अंदर जो अल्लाह ने तहखाना बनाया उसके अंदर सिज्जीन के अंदर फेंक देते। सिज्जीन वो जगह है जमीन के नीचे जहां पर अल्लाह नाफरमानों की रूहों को डालते हैं। जब आसमान पर फरिश्ते उनको लेकर जाते हैं आसमान के दरवाजे उनके लिए नहीं खुलते और ऊपर से उन्हें नीचे कैद सिज्जीन के अंदर फेंक दिया जाता है। अब आपके जहन के अंदर एक सवाल पैदा हो कि जब रूहें किसी की ऊपर जाती हैं किसी की नीचे आती हैं तो उस कब्र के अंदर सवाल जवाब की क्या शक्ल होगी। आज की साइंस और टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत आसान बना दिया। एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्या चीज़ होती है, एक हवाओं के जरिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा जहन इंसान को दिया है कि कहीं से कहीं बात कर लेता है। इसी तरह का मामला होगा, अल्लाह ताला जो है बदन का रूह का ऐसा ताल्लुक बनाएंगे कि इतनी ऊपर रहने के बावजूद भी बातचीत करना आसान हो जाएगी। तो जब कब्र के अंदर वो जाएंगे, अब हम कब्र के अंदर उस मुर्दे को रख कर आए हैं, फयाती ही मलाकान उसके पास दो फरिश्ते आएंगे, इस्मुहु मुनकर वस्तानी नकीर, एक का नाम मुनकर है दूसरे का नाम नकीर है। मुनकर नकीर फरिश्ते उसके पास आते हैं, हर इंसान के पास आते हैं। अगर वो बंदा अच्छा होता है फयुज लिसानी उसको बिठाते हैं। तीन सवाल हर इंसान से होते हैं। अलव्वल पहला सवाल फयकूलानी लहू मर रब्बुक, उससे कहते हैं तेरा रब कौन है। अगर दुनिया के अंदर रब की मानकर हमने जिंदगी गुजारी होगी फौरन वो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वसानी फयकूलानी लहू, दूसरा सवाल उससे होगा मा दीनुक, तेरा दीन क्या है। अगर 24 घंटे की जिंदगी इस्लाम के मुताबिक होगी तो इंसान जवाब देगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। वसालिस तीसरा सवाल होगा फयकूलानी लहू, उससे कहेंगे मा हादर रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कब्र के अंदर दिखाया जाएगा
और मुर्दे से कहा जाएगा माजा तकूल, आप इस शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम से सच्चा इश्क किया होगा, आपके तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, फौरन कहेगा हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान का फरिश्ता पुकारेगा कद सदका, इस बंदे ने बिल्कुल सच कहा, यही इसके इम्तिहान की कामयाबी की दलील होगी। फिर उसके इनाम क्या होगा, फफरिशूहु मिनल जन्ना, जन्नत का लिबास उसके लिए, जन्नत का बिस्तर उसके लिए बिछा दिया जाएगा। वअल्बिसूहु मिनल जन्ना, जन्नत की पोशाक उसको पहना दी जाएगी। वफ्तऊ लहू बाबन इलल जन्ना, और जन्नत का एक दरवाजा उसके लिए कब्र के अंदर खोल दिया जाएगा। क्यों खोल दिया जाएगा, वयातीहि मिन रौहिहा वतीबिहा, वहां से मुअत्तर हवाएं, तरोताजा हवाएं उसके लिए आती रहेंगी। वयुफ्तहु लहु मुद्दा बसरिही, और तहद्दरिगा उसकी कब्र को खोल दिया जाएगा। तो नेक इंसान के लिए कब्र नहीं होगी बल्कि जन्नत का टुकड़ा होगा। वजअलहु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, आलीशान महल होगा, नीचे जन्नत की कालीने हैं, जन्नती लिबास हैं। फिर आखिर में फरिश्ते रुखसत होते हुए उससे कहेंगे नुम कनौमतिल उरूस, दुल्हन की तरह आराम करिए, वेटिंग रूम है आपका ये, जब आपको अल्लाह ताला बुलाएंगे या आपका मेहमान खाना है, आप यहां आराम कीजिए। और अगर इंसान हम जैसा हो, गुनाहगार हो, उसके पास भी फरिश्ते आते हैं, उससे भी सवालात करते हैं, हर सवाल का उसके पास एक ही जवाब होगा, हा हा लाते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ते कहेंगे ला दरही तो वला तरहीता, ना तूने खुद जाना, ना जानने वालों की पैरवी की, ना खुद अमल किया, ना अमल करने वालों को देखा, अब तेरा अंजाम क्या होगा, तैयार हो जा। फफरिशूहु मिनन नार, आग बिछा दो इसके नीचे। अल्बिसूहु मिनन नार, आग पहना दो इसको। वफ्तऊ लहू बाबन इलन नार, आग का दरवाजा इसके सामने खोल दिया जाए। वयुसय्यिकु अलैहि कब्रु, उसकी कब्र को तंग कर दिया जाएगा। नबी ने इस तरीके से उंगलियों में उंगलियां डालकर फरमाया हत्ता तख्त तलीफा अदलाउ, यहां की पसलियां एक दूसरे के अंदर इस तरीके से घुस जाएगी। अभी जन्नत और जहन्नम नहीं है, अभी तो गुजर रहे हैं, अभी तो मुजरिम रास्ते में है, अभी तो अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हुआ है, अभी मुजरिम रास्ते में है। इसलिए इन तमाम मराहिल से हर इंसान को गुजरना है, हमें सबसे पहले इन तमाम चीजों की तैयारी करनी चाहिए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पाकीजा हस्ती ना दुनिया के अंदर गुजरी है और ना आ सकती है इंशाल्लाह। आप देखें कि मौत का दर्द किस कैसा होता है। मकाम अबुआ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के छोटे से बच्चे हैं, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना तो पैगंबर अलैहिस्सलाम तो सबसे ऊंचे हैं, आप छोटे से मासूम 6 साल के, और आपकी अम्मा दुनिया से रुखसत हो रही है। बाप को तो आपने देखा ही नहीं और अम्मा है कि दुनिया से रुखसत हो रही है, कोई कब्र बनाने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम इस तरह अपनी अम्मा की कब्र पर लेटे, चिमट गए अपनी अम्मा की कब्र पर, रोते रहे। और उम्मे ऐमन ने आपको पकड़कर खींचा। हजरत आमिना दुनिया से जाने से पहले एक जंगल वीराने के अंदर अबुआ के अंदर फरमाती हैं, हर इंसान को मरना है, हर नए को पुराना होना है, लेकिन मैं एक ऐसा चांद छोड़कर जाती हूँ जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाला हो। उन्हें क्या मालूम, अल्लाह ताला उनसे कहलवा रहे हैं, उनके सामने 3 नहीं है और नबी छोटे से, अभी नबूवत नहीं मिली है आपको, और उम्मे ऐमन जो आपकी बांधी है आपने पकड़कर खींचा जबरदस्ती, और अपनी अम्मा से तसव्वुर की दुनिया में कहते हैं अम्मा आपके सिवा मेरा कोई नहीं था, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही। उम्मे ऐमन ने आपको पकड़कर खींचा, और फिर छोटे से मासूम आपने जिंदगी के अंदर 1 हज किया, और जब आप हज करने जा रहे हैं और रास्ते में अबुआ पड़ा, आपने सहाबा से कहा आज रात हमें यहीं कयाम करना है। एक छोटे से मासूम, लेकिन जब नबी बने हैं 40 साल के बाद, 40 साल से जायद आपकी उम्र है, और अबुआ की जगह जब आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरहाने अपनी अम्मा के पास बैठते, घुटनों को खड़े करके अपने हाथ इस तरह रखते और अपना सर इस तरीके से अपने घुटनों के अंदर करके इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि सहाबा परेशान है नबी अलैहिस्सलाम को क्या हो गया। माँ का दर्द इतना होता है। मौत एक ऐसी चीज़ है, एक छोटा सा मासूम बच्चा, नबी करीम जिस वक्त रो रहे हैं तो सहाबा कैफियत बयान करते हैं, ऐसा लगता है कि एक मासूम बच्चा अपनी माँ की याद में तड़प। इतने दिन के बाद भी माँ का दर्द जिंदा है। तो अगर बचना होता तो ये हस्तियाँ दुनिया के अंदर रहती। हर इंसान को दुनिया से जाना है, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तैयारी की तौफीक अता फरमाए, जिन काम से अल्लाह ताला खुश होते हैं वो करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।